Hey guys, what's up? कैसे तो बहुत दोस्तों YouTube चैनल पे सो के सर आज मैं तो बढ़ से खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट इन हार्डकोर वर्ल्ड। तो यार इसी एपिसोड के अंदर मेरे फुल्ली डायमंड कारमर को मुझे नेदरराइट कारमर में कन्वर्ट करना है। तो चलो क्या देखता हूँ कि क्या ये मैं कर पाता हूँ या फिर नहीं। तो चलो ऑलराइट यार। तो सबसे पहले तो यार मेरे आर्मर के पूरे एकदम वर्ड लग चुकी है। तो इसको थोड़ा सा बहुत हम इंचेट करते हैं। देखो यार इसके एक हेल्थ एकदम से खत्म हो चुकी है। तो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा बहुत इंचेट करता हूँ। सबसे पहले अपने पिकैक्स को करते हैं, इस पर एफिशिएंसी 4 मिला, देखते हैं कि इसके साथ और कुछ मुझे मिलता है। नहीं मिला, कोई बात नहीं। अभी देखते हैं कि मैं अपने स्वॉर्ड को करता हूं। इसके साथ मुझे मिल रहा है कि शार्पनेस 4। आई विश कि इसके साथ कुछ और मिल जाए। तो देखते हैं इसके साथ नॉक बक 2। चलो यार तो फिर इंचेक्टिंग का काम खत्म कर रहे हैं। मैं आप लोग के पास 2 सेकंड मिलता हूँ। ऑल राइट यार, इसमें कुछ ज़्यादा खास यहाँ पर नहीं मिला, आप लोग देख सकते हो। एकदम फालतू सा मुझे इंचेक्ट वगैरह मुझे मिले हैं, एकदम फालतू, मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। अब बस छोड़ यार, मुझे अभी ये दिखाना ही नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, मुझे अभी एक बहुत बड़ा सा क्रीपर का फार्म बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्रीपर फार्म बनाने का जितने भी सर मुझे थोड़ा बहुत आइटम्स वगैरह चाहिए होगा वो सारे का सारा मैं पहले यहाँ पर आके उठा लेता हूँ। ये देखो पहले सर सबको मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि यार बिना हम अगर गन पाउडर का फार्म बनाएंगे तो फिर हम मुझे गन पाउडर नहीं मिलेगा, और अगर गन पाउडर नहीं मिलेगा तो मुझे TNTs में नहीं बना सकता, और अगर TNTs में नहीं बना सकता तो मैं एकदम नीदर में जाके ऐसे डेब्रिज में जाके खुदाई नहीं कर सकता। मतलब पिकैक्स से कौन करेगा यार इतना मेहनत का काम, मतलब पिकैक्स से ढूंढना ऐसे डेब्रिज और फुल्ली अपने डायमंड के आर्मर को नीदराइट में कन्वर्ट करना, मतलब सोच रहे हो, मतलब पूरा दिन यहीं पर चला जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर से 8-10 तो उठा लेता हूँ स्टैग यहाँ पर से। अभी देखते हैं कि मुझे अपना जो फार्म में बनाने वाला हूँ वो मैं कहाँ बनाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे एरिया डिसाइड करना पड़ेगा। तो शेलर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस जगह पर मुझे बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी सर पर तक घास फूस है इन सबको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं बनाऊंगा गन पाउडर का फार्म। तो चलो यार मैंने हटा दिया, अभी यहाँ से मैं बनाना स्टार्ट करूँगा अपने गन पाउडर का फार्म। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब मुझे चारों साइड से 9-9 करके मुझे इसको खींचना पड़ेगा कुछ इस तरह से। 1, 2, 3, 4 इस तरह से, तो मुझे चारों साइड में मुझे 9-9 करके खींचना पड़ेगा। तो चलो इसको मैं आउटलाइन को कम्प्लीट करके आप सबसे बस मैं 2 सेकंड मिलता हूँ। चलो यार तो मैंने आउटलाइन तो पूरा बना लिया। अब मुझे क्या करना है, इसके हर एक कॉर्नर के ऊपर मुझे कुछ इस तरीके से मुझे पानी डालना पड़ेगा। तो चलो ये भी एक छोटा सा काम है, तो इसको भी मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो चलो यार मैंने एक इतना काम तो खत्म हो चुका है। अब इसके अंदर हमारा काम यहाँ पर से शुरू होता है कि यहाँ पर जो जितने भी जगह पर मुझे डर्ट मतलब पानी नहीं आ रहा उन सबको हटाना पड़ेगा। चलर मैंने तो हटा दिया। अभी क्या करना पड़ेगा, जो जितने भी कॉर्नर पे ये जो ब्लॉक है इन सभी ब्लॉक को मुझे अभी तोड़ना पड़ेगा। तो चलर इन सबको तोड़ के आप सबको मैं 2 सेकंड मिलता हूँ। ऑल डन यार, इतना काम खत्म करने के बाद आप सबको एक प्लस का आइकन देखने को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं दिख रहा तो आपका काम नहीं हुआ, अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन आपका काम हो गया, इतना तो बढ़िया है। तो चलो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको फेंस गेट लगाना पड़ेगा 9, कुछ इस तरीके से जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर से मैंने 8 लगा दिया, 6, 7, 8 और इस वाले को ऐसे 9, एक मिनट 9, अरे यार चल लग गया। अभी इन सभी के सभी मुझे गेट को खोलना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। अभी क्या करना पड़ेगा, ठीक इसके नीचे हमारा कलेक्टिंग का एरिया बनेगा। अभी कलेक्टिंग का एरिया बनाने के लिए मुझे पूरा पूरा इसको थोड़ा बहुत खुदाई करना पड़ेगा। तो चलो इसको भी मैं खुदाई कर लेता हूँ, हट जा यार थोड़ा सा। चलो इसको इधर से ये पर हो गया, अरे लास्ट वाला, अरे यार चलो लास्ट वाला हो गया। अभी मुझे देखना पड़ेगा मुझे किस साइड पर मुझे मतलब आने जाने का रास्ता इस साइड में मुझे बनाना है। तो भी चलो फटाफट मैं यहाँ पर से थोड़ा बहुत खुदाई वगैरह कर लेता हूँ, और उस साइड से हमारा आने जाने का रास्ता बनेगा जहाँ पर हम इस कलेक्टिंग के एरिया में आएंगे और बाहर जाएंगे। मतलब यहाँ पर आएंगे अपने गन पाउडर को उठाएंगे और बाहर जाएंगे हम अपना काम करने के लिए। तो चलो बाकी का एरिया को मतलब इस साइड से मैं अपना रास्ते को बना लेता हूँ यहाँ पर से जल्दी से। तो चलो यार एकदम परफेक्ट बनाए, हाँ एकदम परफेक्ट होना है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं करना, सबसे पहले मैं नीचे जाता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि आप सबको क्या करना है। तो इसके ठीक है, जो यार इस बीच वाले को हटाओ यार, इसको मैं तोड़ देता हूँ एक मिनट। अभी अपने यहाँ पर से हमारा काम स्टार्ट होता है, तो हमें इस तरीके से रुको यार थोड़ा और ऊपर मैं चलता हूँ। गेम खेलते खेलते अचानक से मेरा रिकॉर्डर ऑफ हो गया था, तो बाकी का जितना भी मैंने गन पाउडर का फार्म बनाया वो तो मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पा रहा हूँ। पर आप सब लोग टेंशन मत करो, यही वाला फार्म मैंने अपने सर्वाइवल ऑल्ट में भी बनाया था, तो उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो अभी तो मैं फिलहाल अपने एफ के कमरे के अंदर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आधा घंटे या फिर एक घंटे तक मैं एफ के था। अभी चलो नीचे चल के देखते कि कितना सारा मुझे गन पाउडर मिलता है। तो चलो नीचे।
चलो यहाँ पर से मैं कूद सकता हूँ, चलो एक बार यहाँ पर एमएलजी करते हैं। तो नहीं यार मुझे नहीं करना, क्योंकि यार ये हार्डकोर मोड है, अगर बाई चांस में मर गया तो बस पूरा एकदम वर्ल्ड खत्म। तो यहाँ पर तो एमएलजी कर ही सकता हूँ। तो चलो एक बार, लास्ट वाला भी आई थिंक ये लास्ट वाला था, तो चलो इतना भी एक खत्म हो चुका है, मर चुका है इसका, तो हो गया खेल खत्म। चलो अभी इसके अंदर चल के देखते हैं कि अभी भी मर रहा है ऊपर में। तो यहाँ पर से बहुत सारा यहाँ पर गन पाउडर मुझे मिल चुका है, तो जो उठा लेता हूँ। चलो देखते हैं कि मुझे कितना सारा यहाँ पर मुझे मिला है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 10-15 स्टैक तो मुझे मिल गया होगा शायद। एक मिनट में देख, मुझे देखना पड़ेगा। हाँ मुझे 16 स्टैक, ऑलमोस्ट मुझे 16 स्टैक ही मुझे यहाँ पर से मिला है। तो मैं बहुत सारा शायद मैंने सैंड वगैरह भी मैंने इकट्ठा करके रखा है। तो चलो मैं अपने चलता हूँ अपने घर के अंदर, और जाके मैं अपने सैंड वगैरह को उठा लेता हूँ, और अपना जितना सारा हो सकता है उतना सारा मैं पहले TNT बना लेता हूँ। उसके बाद हम नीदर के निकलेंगे, और नीदर में जाके मुझे एक अच्छा सा जगह को ढूंढना पड़ेगा फिर, जहाँ पर लावा का पूल वगैरह ना हो, वहाँ पर मुझे कम से कम मुझे Y50 F14 लेवल मुझे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारा सैंड मिला। चलो अभी मैं जल्दी से अपना TNT को बना लेता हूँ। चलो यार इतना सारा TNT तो मैंने बना लिया है। अभी जितना बाकी ये सब गन पाउडर वगैरह है इसको मैं इसके अंदर में डाल देता हूँ, और मैं अपना जो भी यहाँ पर कुछ सामान चाहिए होगा मैं सब कुछ ले लेता हूँ, और मैं निकलता हूँ अपने नेदर की तरफ। तो चलो यार मैं यहाँ पर नेदर के Y-15 पर यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। अभी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मुझे खुदाई करके मुझे आगे जाना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे यहाँ पर बहुत सारा TNT लगाना पड़ेगा। तो चलो थोड़ा बहुत मैं खुदाई करके TNT लगा के आप सब से मिलता हूँ। चलो इसके अभी आग लगाने से पहले मैं खुद का एकदम प्रोटेक्शन में ऑन कर लेता, मतलब यार अपने आप को पैक कर लूंगा यहाँ पर ताकि मुझे कोई डैमेज ना पहुंचे। ये इतना क्यों हुआ यार, बहुत सारा मैंने तो टेंट लगा था, तो थोड़ा फोड़ इतना कम क्यों हो गया। चल कोई बात नहीं, और यहाँ पर से एक भी मुझे एशियन डेब्रिज तो दिख नहीं रहा यहाँ पर फिलहाल, तो इसको भी मुझे एक बार और इसे यहाँ पर आग लगाना पड़ेगा, तो अभी फूट जाएगा। चलो अभी भागो भागो भागो, यहाँ पर से मैं भागता हूँ जल्दी से, वरना मेरे शरीर पर फूट जाएगा। तो चलो अभी ओके, मुझे एक तो मुझे दिख गया पर एशियन डेब्रिज, अभी पता नहीं मुझे यहाँ पर कितना मिलेगा। तो सबसे पहले तो इसी एक को ही अभी जाकर फिलहाल मुझे उठाना पड़ेगा, और भी यहाँ पर आसपास मुझे देखना पड़ेगा, नज़र घुमा घुमा के देखना पड़ेगा। और यहाँ पर तो नहीं है, मुझे यहाँ पर नीचे तो बेडरॉक भी दिख रही थी, तो चलो इसको तोड़ देते हैं। तो चलो तुम्हारे भाई को मिल गया पहला एशियन डेब्रिज इन हार्डकोर मोड के वर्ल्ड में। तो चलो यार मुझे पहला एशियन डेब्रिज तो मुझे मिल गया। अभी और थोड़ा ढूंढा निकलता हूँ, थोड़ा फोड़ा फोड़ी करने के बाद आप चलो मैं 2 सेकंड मिलता हूँ। तो चलो खोद दे यार, बहुत देर हो चुकी। भाई यार यहाँ पर मुझे 2 मिल गया यार, खोद दे मुझे मिल गया। इस तरह से अगर मिल गया है तो यार वाह क्या बोलो यार, एकदम मज़ा आ जाए। और हाँ भाई पीछे भी एक है, पीछे एक है, 2 के 1 हो यार। यहाँ पर बस खोद दे तुम्हारे भाई को, 3 तिल मुझे मिल गया। तो यार तुम्हारे भाई की किस्मत तो मानना पड़ेगा। तो चलो इसी बात पर यार एक एक लाइक ठोको सब लोग। तो चलो थोड़ा और यहाँ से थोड़ा थोड़ी करके देख लेता हूँ कि यहाँ पर मुझे और कुछ मिलता है या फिर नहीं। एक दो और मुझे ऐसे डिब्रिज मिल जाए तो नहीं मिला, तो चलो थोड़ा सा और टेंट लगा के मैं आप सबको मिलता हूँ। तो चलो यहाँ पर से मैंने इसको आग भी लगा दिया, अभी बस फूट जा, बस यहाँ पर मुझे डैमेज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर तबाही मच रही है। अब चलो चल के देखते हैं कि मुझे कितना सारा यहाँ पर मुझे एशियन डेब्रिज मिला है या फिर नहीं। यार कम से कम 16 बस मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो चलो यहाँ पर आते मुझे एक तो एशियन डेब्रिज मुझे दिख रहा है, और रुको एक मिनट मैं यहाँ पर अपने पास, चलो यार थोड़ा सा खाना खा लेता, इतना समय तो मैं मरने नहीं वाला आग में। बस यार अभी कितना जलेगा यार, बस हो जा, बंद हो जा भाई साहब, अरे मेरे बात भाई मानती है यार। तो चलो सभी मैं एशियन डेब्रिज को तोड़ के आप सबको मैं 2 सेकंड में मिलता हूँ। चलो यार मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट 15 तो मिल गया, बस मुझे एक और चाहिए था। और यार मेरे यहाँ पर पिकेक्स में ज़्यादा जान भी नहीं बची है, तो थोड़ा और मैं थोड़ा सोच रहा हूँ खुदाई कर ही लूँ, क्योंकि मुझे बस एक ही चाहिए यार। मेरे सारा का सारा TNT खत्म हो चुका है, पर चलो थोड़ा बहुत और मैं थोड़ा थोड़ी करके देखता हूँ कि मुझे बस एक मिल जाए तो मज़ा आ जाए। नहीं यार मेरे पिकेक्स की हालत ख़राब हो चुकी है, तो मैं बस अभी यहाँ पर से जाने वाला हूँ। जाके ही मैं बस अपने डायमंड से थोड़े इसको मैं और भी आर्मर, मतलब इसको मैं थोड़ा रिपेयर कर दूँगा यार, मेरे पिकेक्स की हेल्थ बहुत कम हो चुकी है। तो चलो यार मैं अभी सीधे ऊपर ओवरऑल में जाके आप सब लोगों में मिलता हूँ। चलो फाइनल मैं आ चुका हूँ, और आते ही मैं अपने ये सब कुछ मुझे मिला है, और आते ही तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं इसको स्मेल्टिंग के लिए लगा देता हूँ। तो चलो और बाकी के सभी के घास फूस को अपने मतलब एक मिनट यहाँ पर नहीं, हाँ कहाँ पर डालूँ, एक मिनट यार मैं गोल्ड कहाँ पर रख दिया। ओके चलो यहाँ पर मुझे अपना गोल्ड तो मिल गया, अभी बाकी की घास फूस इसके अंदर मैं डाल देता हूँ। और चलो अभी अपने स्मेल्टिंग के लिए मैं थोड़ा बहुत इंतज़ार कर लेता हूँ, और बाकी का सब कुछ यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, और इसको मैं गोल्ड इंगेट में बना लेता हूँ। तो एक मिनट यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल पर, ब्लॉक नहीं यार,
गोल्ड इंगेट तो मेरे यहाँ पर बन गया, तो चलो इसके लिए थोड़ा बहुत यहाँ पर सब वेट कर लेते हम। तो चलो फाइनली मेरा पूरा पूरा हो चुका है 15 ही, इसका मैं जल्दी से अपने अभी नीदराइट के इंगेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो चलो बस 15 ही हो चुका, मतलब मेरा 3 ही बनेगा। तो इसका मतलब मैं सोच रहा हूँ कि चेस्ट प्लेट को, बूट को और पैंट को कर दूंगा, हेलमेट की उतना ज़रूरत है नहीं। तो चलो फटाफट मैं अभी कर लेता हूँ। और लो भाई, भाई मुझे स्मिथिंग टेम्पलेट्स भी चाहिए, वरना तो यार नहीं हो सकता यार, मुझे अभी और नहीं करना यार। मैं एक भाई क्या बोले, मैं 4-5 घंटे से एक भाई में खेल रहा, तो चलो छोड़ते यार। तो यार आज के एपिसोड में बस इतना ही था। आई होप वाल वीडियो का अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रखा ताकि आप ऐसे अमेजिंग वीडियो देख सके। तो यार फिलहाल तो आज के एपिसोड में अपना निदर का आर्मा नहीं मैं बना पाया, मतलब यार स्मिथिंग के लिए मुझे दोबारा से निदर में जाना पड़ेगा। तो ये मैं सोच रहा अगले एपिसोड में करूँ। तो यार आज के लिए बस इतना ही था, मैं आप सब लोगों से मिलूंगा अगले एपिसोड।